हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्लावर पेंटिंग करना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए मैं किया हूँ, कितना शानदार और लाजवाब है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस चादर की मुकम्मल डिज़ाइन देखना चाहते हैं जो बहुत ही प्यारी है, फ्लावर तो सिंपल है लेकिन डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप देखिए मैं किस तरह पेंटिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्लावर की जो पंखड़ी है उसको आधे से ज़्यादा भर देंगे। भरने के बाद ऊपर से वाइट कलर लगाएंगे नीचे के जानिब। और साइड में दोनों तरफ वाइट कलर नहीं लगाएंगे बल्कि एक तरफ से लगाएंगे। अगर दोनों तरफ से लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कितनी पंखड़ियाँ इसमें हैं। ये वाइट कलर लगाने के बाद एक ब्रश लेंगे जो बीच से कटा हुआ हो उससे हम मिला देंगे। देखिए मिलाने के बाद कितना शानदार और कितना खूबसूरत दिख रहा है। मिलाने की वजह से ये होता है दोस्तों कि अगर कहीं कलर ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया तो मिला देने की वजह से चारों तरफ बराबर कलर हो जाता है। और फिर आप देखिए वाटर ड्रॉप किस तरह बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एक गोल दायरा बना लीजिए और नीचे के जानिब थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। फिर जो बीच में जो खाली जगह है तो नीचे से ऊपर की जानिब वाइट कलर लगाइए और ऊपर से बैगनी कलर लगाकर एक छोटा सा ब्रश से उसको मिला दीजिए। इस तरह से हमारा वाटर ड्रॉप तैयार हो जाएगा। फिर मिलाने के बाद हल्का सा छोटा सा एक वाइट कलर का बूंद ऊपर दे दीजिए। दिल इस तरह से मेरा तोड़ा न कीजिए, दिल इस तरह से मेरा तोड़ा न कीजिए, दिल इस वादा